और उस वक्त सीधे आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। तरीके की एक पहचान है। अक्सर जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे सामने रोड, रेल, एयरपोर्ट की तस्वीर उभरती है, लेकिन हमारी सरकार ने फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी उतना ही जोर दिया है। हमारी सरकार कल्चरल कनेक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रही है। जैसे पिछले 9 वर्षों में हमने पद्म अवार्ड, साहित्य और कला अवार्ड के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों के रियल हीरोज को सामने सम्मानित किया है। पहले की तरह पद्म सम्मान सिफारिश के आधार पर नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा के आधार पर दिया जाता है। आज जो पद्म सम्मान पाने वाले साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो इसे भली भांति जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ स्थलों, धार्मिक स्थानों का कायाकल्प होने के बाद एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर लोगों की बढ़ती संख्या देश में कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रमाण है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा संग्रहालय हो, बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थ का पुनर्निर्माण हो, पीएम म्यूजियम हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल, ऐसी पहलों ने देश में इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है। साथियों, कनेक्टिविटी चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न हो, उसका उद्देश्य होता है देश को जोड़ना। 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ना, ऑल इंडिया रेडियो जैसे सभी कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए भी यही विजन होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस विजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आपका ये विस्तार संवाद के जरिए देश को नई ताकत देता रहेगा। एक बार फिर आकाशवाणी को, देश के दूर दराज के क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, सौगात यहां पर दी गई है देवरिया को आज, और वक्त फिलहाल एक ब्रेक का।